महर्षि मुद्गल। मुद्गल नामक ऋषि कुरुक्षेत्र में रहते थे। ये बड़े धर्मात्मा, जितेंद्रिय, भागवत भक्त एवं सत्य वक्ता थे। किसी की भी निंदा नहीं करते थे। बड़े कर्मनिष्ठ एवं महात्मा थे। ये सिलोक्ष वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। 15 दिनों में एक द्रोण धान्य, जो करीब 34 शेर के बराबर होता है, इकट्ठा कर लेते थे। उसी से इष्टिकृत नामक यज्ञ करते और प्रत्येक 15वें दिन अमावस्या एवं पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता, उसी से परिवार सहित निर्वाह किया करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे, वैसे ही उनकी धर्म पत्नी और संतान भी थी। मुद्गल जी सपरिवार महीने में केवल 2 ही बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही भोजन किया करते, सो भी अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराने के बाद। कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन साक्षात देवराज इंद्र देवताओं सहित उनके यज्ञ में आकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनिवृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। उनके मन में उनकी परीक्षा करने की इच्छा जाग हुई। दुर्वासा महाराज जहां तहां व्रतशील उत्तम पुरुषों को व्रत में पक्का करने के लिए ही क्रोधित वेश में घूमा करते हैं। वे एक दिन नंग धड़ंग पागलों का सा वेश बनाए, मूढ़ मुड़ाए, कटु वचन कहते हुए वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहां आया हूं। उस दिन पूर्णिमा का दिवस था। मुद्गल ने आदर सत्कार के साथ ऋषि की अभ्यर्थना करके उन्हें भोजन कराने बैठाया। उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। मुनि भूखे तो थे ही, श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न उन्हें बड़ा सरस भी लगा। वे बात की बात में रसोईये में बना हुआ सब कुछ खा गए। बचा खुचा शरीर पर चुपड़ लिया। जूठा अन्न शरीर पर लपेटकर वे जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। मुद्गल सपरिवार भूखे रहे। यों प्रत्येक पर्व पर दुर्वासा जी आते और भोजन करके चले जाते। मुनि को परिवार सहित भूखे रह जाना पड़ता। 15 दिनों तक कटे हुए खेतों में बिखरे दानों को वे बीनते और स्वयं निराहार रहकर प्रत्येक 15वें दिन वे उसे दुर्वासा ऋषि के को अर्पण कर देते। स्त्री पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या एवं अनादर का भाव भी नहीं आया। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। इसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए। 15 दिन में एक बार भोजन करने वाला तपस्वी कुटुंब 3 महीने तक लगातार भूखा रहा, परंतु किसी के भी मन में कुछ भी दुख, क्रोध, क्षोभ या अपमान का विकार नहीं हुआ। श्री दुर्वासा जी ने हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। एक सामान्य बात मैं कह रहा हूं कि कभी कभी हमें घर में थोड़ा सा भोजन मिलने में थोड़ा सा देर हो जाता है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे कि जो भी हमारे घर में भोजन हमारी माता जी या बहन जी या फिर धर्म पत्नी जो भी बनाती है, कितना प्रेम पूर्वक, कितना मेहनत से बनाती है, और हम चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, इस घर में टाइम पे खाना नहीं बनता है। और आप यहाँ पे सोचो कि कभी कभी अगर आपको खाना भी देर से मिल रहा है ना, तो आप समझ लेना कि वो व्रत ही है और भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो किसी को डांटने की आवश्यकता नहीं है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध करेंगे तो आपका ही बुरा होगा और थोड़े से रिलेशन भी खराब होंगे। कि अब माता जी, बहन जी या फिर आपकी धर्म पत्नी यही सोचेगी कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, इतना प्रेम से भोजन पकाती हूँ, और आज किसी कारण लेट हो गया तो कैसे क्रोधित हो गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आइए आगे सुनते हैं। दुर्वासा जी इनके धैर्य को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि मुद्गल से कहा, मुनि, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई है,
भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचारों को डिगा देती है और धैर्य को हर लेती है। जीभ तो रसना ही ठहरी, वह सदा रस का स्वाद लेने वाली है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट उठाते हुए परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करेंगे। महर्षि दुर्वासा यो कह ही रहे थे कि देवदूत विमान लेकर मुदगल के पास आया। देवदूत ने कहा, देव आप महान पुण्यवान हैं, सशरीर स्वर्ग पधारे। देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा, देवदूत सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो पाती है, अतः मैं आपसे जो कुछ पूछूं उसके उत्तर में जो सत्य और हितकर हो वही बताइए। मैं आपकी बात सुनने के बाद ही अपना कर्तव्य निश्चित करूंगा। देवदूत मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्ग में क्या सुख है एवं क्या दुख है। देवदूत ने महर्षि मुदगल के उत्तर में स्वर्ग लोक एवं उससे भी ऊपर के भोगमय लोकों के सुखों का वर्णन किया। तत्पश्चात वहां का सबसे बड़ा दोष यही बताया कि वहां से एक न एक दिन पतन हो ही जाता है। ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोकों में पतन का भय जीव को सदा बना रहता है। वे कहने लगे कि सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थानों में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। यह सुनकर महर्षि मुदगल ने देवदूत को विधि पूर्वक नमस्कार किया तथा उन्हें अत्यंत प्रेम से यह कहकर लौटा दिया, हे देवदूत मैं तो उस विनाश रहित परम धाम को ही प्राप्त करूंगा जिसे प्राप्त कर लेने पर शोक व्यथा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर उनकी बुद्धिमता की प्रशंसा करता हुआ लौट गया एवं तत्पश्चात मुनि मुदगल स्तुति निंदा स्वर्ण तथा मिट्टी में संभाव रखते हुए ज्ञान वैराग्य तथा भगवत भक्ति के साधन से अविनाशी भगवत धाम को प्राप्त हुए।